स्वागत है आपका केबीसी में। कौन बनेगा चूतिया? मेरे प्यारे मित्रों, हमारे इस केबीसी में जो भी आता है वो चूतिया बन के जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे यार, तुमने तो मेरे पास फोन करके कही थी आपको मौका मिला है कौन बनेगा करोड़पति में आने का, आओ और करोड़पति बन के जाओ, और अब बोले रहे हो कौन बनेगा चूतिया। अरे ये तो हमारी ट्रिक है तुम जैसे लोगों को बुलाने की। अगर करोड़पति की नहीं बोलेंगे तो तुम आओगे कैसे? अब अगर मैं तुम जैसे टोचे मुच्चे आटू झाटू को करोड़पति बनाऊंगा फिर मैं तो रोड पे ही आ जाऊंगा। अरे माना कि हाँ मेरे पास पैसा है, मोटा पैसा है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जैसे हर नल्ले बेरोजगार छपरी लोगों को करोड़पति बनाने का ठेका ले लिया है मैंने। रे छपरी नहीं बोले पाएगो, नहीं तो तेरी गाने में छतरी घुसाए दंगो। 70 साल के बुड्ढा मोए चूतिया मत समझिए, टम्पू लेके आऊं। मेरो टम्पू बाहर ही खड़ो है, 2 मिनट में तेज कंप्यूटर कंप्यूटर कुर्सी टेबल सब भर के ले जाऊंगो अपने टम्पूआ में। अरे सर नाराज मत होइए नाराज मत होइए, चलो हम आपको और लोगों की तरह चूतिया बनाकर तो नहीं भेजेंगे बस। हाँ अब आओ लाइन पे, चले तो अब पूछ सवाल। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल पूरे 14 रुपयों का। सलमान खान के कितने बच्चे हैं? ऑप्शन ए 11 बच्चे, ऑप्शन बी 22 बच्चे, ऑप्शन सी 44 बच्चे, ऑप्शन डी 14 बच्चे। यार 14 रुपया को सवाल हुए, मतलब 14 बच्चे होंगे, पक्की बात है। ऑप्शन डी 14 बच्चा। पक्का कन्फर्म हो? एकदम। अगर अभी सोचना है तो सोच सकते हो, अभी भी आपके पास पूरे 1 सेकंड बचे हुए हैं। अरे सोच लो एकदम कन्फर्म, ऑप्शन डी 14 बच्चा। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आप जीत चुके हैं पूरे 14 रुपए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका दूसरा सवाल पूरे 14 रुपयों का। अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी अखिलेश यादव, ऑप्शन सी केजरीवाल, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। रे तू सुअर की गाने सुन के बैठो है जो ऐसे चूतिया ने जैसे सवाल पूछ रहा हो। रे यार लड़ाई राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की है रही है, तो जे अखिलेश मायावती केजरीवाल और योगी जे लोग कैसे जीते जाएंगे? यही तो दिमाग की जरूरत पड़ती है बेटा, हल्के में ले रहे थे क्या केबीसी को? अब झेलो, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। अरे यार तू चुप रह, बीच में मत बोले, लगा रहा हूँ मैं दिमाग डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल गलत जवाब, और आप ये 14 रुपए का सवाल हार चुके हैं। अरे यार शिट, चलो अब सही जवाब तो बता दे, सही जवाब कहाँ है? अरे यार सही जवाब तो हमें खुद नहीं पता। चलो यार लॉस तो कवर हो गया, नहीं तो 14 रुपए के घाटे में आ गई थी कंपनी, अब 25 रुपया से फायदे में चली रही है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका तीसरा सवाल पूरे 14.5 रुपयों का। मियां खलीफा पेशे से क्या है? ऑप्शन ए एक संस्कारी धर्म पत्नी, ऑप्शन बी एक गरीब लाचार महिला, ऑप्शन सी एक आत्मनिर्भर मेहनती महिला, ऑप्शन डी डॉक्टर। अरे यार अब की तो बहुत आसान सवाल पूछो है। ऑप्शन सी है एक आत्मनिर्भर और मेहनती महिला। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, और आप जीत चुके हो पूरे 14.5 रुपए। आहा चलो कंपनी फिर प्रॉफिट में आ गई। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका चौथा सवाल पूरे 14.25 रुपयों का। अगर इंसान की गांड में गुलाब का फूल डाल दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, गांड में फूलों का बगीचा खिल जाएगा। ऑप्शन बी, फूल मुरझा जाएगा। ऑप्शन सी, टट्टी निकलना बंद हो जाएगी। ऑप्शन डी, कुछ भी नहीं होगा। अब की तो बहुत ही ज्यादा कठिन सवाल पूछ लो। आपके पास अभी तक एक लाइफ लाइन भी बची हुई है, आप चाहें तो लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त या अपनी प्रेमिका को फोन लगा के पूछ सकते हैं इस सवाल का जवाब। तो एक काम करो, मेरी सेटिंग गुलगुली को कॉल लगाओ। इनकी प्रेमिका गुलगुली को कॉल लगाया जाए। हेलो, कौन? मेरी बाबू गुलगुली, मैं बोल रहा हूँ तेरे बाबू गुलगुला। हाय, मैं मर जावा, मैं बाबू को कॉल हुए, बाबू आई लव यू। अरे बाबू, मैं केबीसी में बैठो हूँ और फोन स्पीकर पे है। ओरी मैया बाबू, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में? हाँ यार बाबू, तू अब बस मैं एक काम कर दे। हाँ बाबू, बोलो काम, बोलो का काम करनो है। तू अपनी छत पे जा और गमला में से एक गुलाब को फूल तोड़ के ले आ। अरे बाबू, मैं तो पहले से ही छत पे थी। ले आओ, तोड़ लाओ एक गुलाब को फूल। अब गुलाब के फूल को अपनी गांड के अंदर घुसा दे। बाबू तुम पागल है गए हो का? कैसे उल्टे सीधे काम करवा रहे हो? मैं नहीं करूंगी ऐसे काम, बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे मेरी बाबू, पूरे 14.25 रुपया को सवाल हुए, बात को समझ। अगर सही जवाब नहीं दो तो हार जाऊंगो, केबीसी में बेइज्जती मत करवा मेरी बाबू। कर ले बस एक बार, कर ले तो अपनी प्यार की कसम है। कैसे कैसे काम करवा रहे हो तुम बाबू? ले घुसा लो अंदर। अब देख, फूल को बगीचा खिलेगा तेरी गांड में या फिर फूल मुरझाएगा? रुको, देख रही हूँ। बाबू फूल तो मुरझाएगा। चल ठीक है बाबू, जवाब मिलेगा, फोन काटे, अब बाद में बात करेंगे। ऑप्शन बी, फूल मुरझा गया। अब तो जवाब गलत हो ही नहीं सकता, लाइव एक्सपेरिमेंट करो मेरी बाबू ने। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आप ये 14.25 रुपये का सवाल भी जीत चुके हैं। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आप जीत चुके हैं टोटल 43 रुपये। ये आपके पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इस महीने की 32 तारीख को। धन्यवाद हमारे केबीसी कौन बनेगा चूतिया में आने के लिए और चूतिया बन के जाने के लिए।